student i am parul vasisht this is a video of political science class 9 chapter number no. 5 working of institution uh, major topic of this top chapter office memorandum mandal commission opposition against the mandal commission political institution parliament executive pm पीएम पावर एंड फंक्शन प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में बात करते हैं गवर्नमेंट इशू हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर एवरी डे ऑन द डिफरेंट टाइप जो गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है है ना वो ना जाने दिन में कितने ऑर्डर पास करती है उन ऑर्डर्स को जो ये पूरा ऑर्डर पास किया जाता है गवर्नमेंट साइड से उसे हम ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं चैप्टर की जो मेन थीम स्टार्ट हो रही है वो मंडल कमीशन से है मंडल कमीशन जिसके हेड बीपी मंडल बीपी मंडल की वजह से ये जो मंडल कमीशन है ये काफ़ी पॉपुलर रहा है ये मंडल कमीशन एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए था जिसमें ट्वेंटी सेवन परसेंट रिजर्वेशन दिया गया इस कमीशन ने जो ये कमीशन बना नाइनटीन सेवेंटी नाइन में बना और इस कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट दी है नाइनटीन एटी में दी है एंड मै मेड मैनी रिकमेंडेशन बहुत सारी रिकमेंडेशन उसमें दी और ट्वेंटी सेवन रिजर्वेशन जॉब गवर्नमेंट जॉब की बात इसमें की गई तो ये टॉपिक स्टार्ट है यहाँ पर ही मतलब मंडल कमीशन से पहले 27 परसेंट रिजर्वेशन की बात जो थी उन्होंने इसमें मंडल कमीशन में ये उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी कि हाँ ये जरूरी है नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा इंस्टीट्यूशन तो व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहाँ क्या है है ना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर द अरेंजिंग एंड कैरी ऑल द टास्क ऑफ द कंट्री पूरी कंट्री में जो भी कुछ हो रहा है जो रूल्स रेगुलेशन बनते हैं वो सब किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में अरेंज होते हैं है ना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें हम तो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारे जो थ्री लेवल पर होते हैं इक्वली लेवल पर लेजिलेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी लेजिस्टिव में जो लेजिस्लेटिव बॉडी है आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी ये तीनों जो बॉडी हैं ये फुल्ली इंडिपेंडेंट बॉडी हैं इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल बॉडी लेजिस्लेटिव प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर टेक ऑल द इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन इसमें आपके एम वगैरह आते हैं सॉरी एम एग्जीक्यूटिव में आपके सिविल सर्वेंट जो एग्जीक्यूट कराते हैं लेजिस्लेटिव में जो लेजिस्लेटिव का वर्क है वो है मेकिंग द लॉ एग्जीक्यूटिव का है एग्जीक्यूट द लो एग्जीक्यूट कराना लो को एग्जीक्यूट है ना और जुडिशरी का अपना वर्क अगर कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं किस कहीं पर भी किसी भी लेवल पर स्टेट टू स्टेट कंट्री टू सॉरी स्टेट टू सिटीजन सेंट्रल और गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिसॉल्व करवाने का सेटल कराने की जो जिम्मेदारी है वो जुडिशरी की होती है और उसके अलावा इंटरप्रटेट द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने का कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी जुडिशरी की होती है वॉट आर द सिग्निफिकेंट ऑफ द पार्लियामेंट इन अ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट क्या है पहले तो ये पता करें ना है ना पार्लियामेंट इज द ऑथोराइज बॉडी जहाँ पर मतलब लॉज बनाए जाते हैं कंट्री के लिए ना फाइनल अथॉरिटी फॉर द मेकिंग लॉ पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर हु दो हु रन द गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऑल्सो कंट्रोल द मनी मैटर पूरी कंट्री में कहाँ कैसे मनी का खर्च किया जाना है कहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट होना है डैम बनना है आ आपका रोड वगैरह मतलब जो भी मैटर है मनी से रिलेटेड वो सब आपका पार्लियामेंट में होता है पार्लियामेंट इज़ द हाइर फॉर्म ऑफ द डिस्कशन एंड द डिबेट पब्लिक इशू नेशनल पॉलिसी कंट्री के कंट्री के बिहाब पर जो भी कंट्री के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उस पर लेकर जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं उस पर जो डिबेट है वो पार्लियामेंट में होती है है ना पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं कौन कौन से लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा इज आल्सो नोन द हाउस ऑफ पीपल पार्लियामेंट का जो लोकसभा है उसको हम हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर लोकसभा के जो मेंबर हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड राज्यसभा इज कॉल्सो नोन काउंसिल ऑफ स्टेट यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं डिफरेंस देख लेते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड राज्यसभा नोट इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है ना राज्यसभा के मेंबर को वो इलेक्ट करते हैं जिनको हमने इलेक्ट किया है पीरियड ऑफ द लोकसभा फाइव ईयर उधर राज्यसभा में हम बात करें तो ये एक परमानेंट बॉडी है यहाँ पर केवल टू टू थर्ड मेंबर रिटायर होते हैं आफ्टर टू ईयर इलेक्शन की बात करें तो आफ्टर सिक्स ईयर इलेक्शन यहाँ पर होता है लोकसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ फाइव फिफ्टी टू मेंबर मतलब मैक्सिमम इतना होता है आज के समय में शायद फाइव फोर्टी थ्री यहाँ पर लोकसभा मेंबर हैं ये कम ज़्यादा हो सकते हैं मेंबर और राज्यसभा में बात करें तो मैक्सिमम नंबर टू फिफ्टी मनी बिल कैन ओल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और राज्यसभा डज नॉट एक्सरसाइज मच पावर ओवर द मनी बिल राज्यसभा के पास कोई भी मनी मैटर का राइट नहीं होता है इसलिए राज्यसभा इस लेस पावरफुल दैन द लोकसभा डिफरेंट बिट्वीन पोलिटिकल पार्टी एंड दॉरी पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव है ना पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि जो पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं वहाँ पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव मीन्स लीडर है ना तो जो लीडर हैं ये भी इलेक्टेड बाय पीपल और आपको पता है जनता जनार्दन होती है तो जनता जनार्दन इनकी बात मानी जाती है इसलिए ये मोर पावरफुल होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज द मोर पावरफुल एंड दे आर द आंसरेबल टू द पीपल क्योंकि चुना है ना हमने उनको इसलिए वो हमारे लिए आंसरेबल हैं हमारे लिए लजिटमेंट है हमारे लिए रेस्पॉन्सिबल है पूरी तरह से इधर बात करें परमानेंट एग्जीक्यूटिव की दे आर नो आंसरेबल टू द पीपल ये हमारे लिए आंसरेबल नहीं है क्योंकि हमने इनको सेलेक्ट इलेक्ट नहीं किया ये सेलेक्ट हुए हैं है ना इन्होंने एग्ज़ाम दिया है आई ए एस पी सी एस ऑफिसर ये सब आपके क्या है ये वे पर्सन है जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं ये सब और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव को असिस्ट करते हैं है ना दे आर द लेस पावरफुल दे डू नॉट टेक द डिसीज़न ये अपना डिसीज़न नहीं लेते हैं क्योंकि ये असिस्ट करने हैं जो डिसीजन लेगा वो कौन वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगा है ना अपॉइंटमेंट बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन कौन से अपॉइंटमेंट हमारे प्रेजिडेंट करते हैं है ना तो प्रेजिडेंट का पहले तो आप मुझे नाम बताओ कौन है प्रेजिडेंट है ना कौन इलेक्शन देखा है कभी क्या इलेक्शन के लिए गए उनके क्या इलेक्शन में हमने वोट किया है नहीं हम उनके लिए वोट नहीं करते हैं लेकिन जो मेजर अपॉइंटमेंट हैं वो सब पीएम के नाम होते हैं है ना जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज इनके जो चीफ जस्टिस हैं उनको ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं पीएम की जो पोस्ट है उसको भी अपॉइंट इलेक्शन होता है लेकिन जो अपॉइंटमेंट है वो पीएम का प्रेसिडेंट के हाथ में होता है ना एडवाइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो एडवाइज करते हैं उनको गवर्नर ऑफ स्टेट कौन अपॉइंट करता है पीएम सॉरी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर एंड द एम्बेसडर ऑफ द अदर कंट्रीज़ मतलब जितनी भी हमारे यहाँ पर मेजर अपॉइंटमेंट है वो सब किसके नाम प्रेजिडेंट के नाम जो ये टॉपिक है ये आपका पीएम के रिगार्डिंग में है पीएम का जो पूरा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ऑफिशियल नेम है जहाँ पर बहुत सारे मिनिस्टर्स होते, है है। होते हैं जो पीएम को हेल्प करते हैं इसमें नियरली सिक्सटी टू एटी मिनिस्टर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं और इनमें भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी सर्कल होता है इनर सर्कल मिडल सर्कल आउटर सर्कल जो इनर सर्कल है वो आपका कैबिनेट मीटिंग है जिसमें पी एम के बहुत ही ज़्यादा नियर और डियर मिनिस्टर्स होते हैं वो इनर सर्कल में होते हैं टॉप मोस्ट लीडर सेकेंड आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो स्मॉलर स्मॉलर मिनिस्ट्री जिनके पास होती है उनको केवल मीटिंग में स्पेशली इनवाइट किया जाता है थर्ड है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट नहीं है और ये कैबिनेट मीटिंग में केवल असिस्ट करने के लिए आते हैं पूरा कैबिनेट वर्क एज अ टीम पूरा टीम की तरफ वर्क करता है कोई भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा कोई भी किसी के डिसीजन के खिलाफ कोई जाकर कोई जज नहीं देता है, है ना तो पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करें प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट है ना हेड ऑफ़ द स्टेट प्रेजिडेंट हेड ऑफ़ द प्राइम हैड ऑफ़ द कंट्री हेड ऑफ द गर्नमेंट पी एम प्राइम मिनिस्टर क्या क्या पावर इनके पास है एक्चुअली में जो पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजिडेंट के लिए हैं वहाँ तो पर उनके लिए रिटर्न में है उनको वो सब नॉमिनल है प्रेजिडेंट के लिए पावर है नॉमिनल पावर है नाम मात्र की है उन पावर को एक्चुअली में यूज़ कर रहा है प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज अ चेयर कैबिनेट मीटिंग पूरी मीटिंग जो चेयर पर्सन है वो कौन है पीएम ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट हिज डिसीजन आर द फाइनल उनका डिसीजन बिल्कुल फाइनल होता है ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ द डिफरेंट मिनिस्ट्री डिफरेंट मिनिस्ट्री को जैसे आपका एजुकेशन मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर जो भी मिनिस्ट्री होती हैं सब डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री किसके सुपरविजन में काम करती हैं पीएम के ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हीज लीडरशिप जो सभी लीडर्स हैं वो सब किसके अंडर में काम कर रहे हैं पी एम के प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड री डिस्ट्रीब्यूट वर्क ऑफ द मिनिस्टर एंड ही हैज पावर टू डिसमिस द मिनिस्टर उसके पास ही पावर है किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है एंड वैन द प्राइम मिनिस्टर क्विट द एंटायर मिनिस्टर क्विट ना भी चाहे तो उनको क्विट करना पड़ता है है ना इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजिडेंट जो हमारे यहाँ के हैं उनका इलेक्शन उनका उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है मतलब किस तरह वो चुने जाते हैं ना प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नोट द इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल्स मैंने कहा ना कि प्रेजिडेंट के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है एम पी और एम एल ए इलेक्ट हिम उनको चुनते हैं उनको जिसको वोट ज़्यादा जिसको जिस कैंडिडेट को जो कैंडिडेट पर प्रेजिडेंट की पोस्ट के लिए स्टैंडिंग में है जिसको सबसे ज़्यादा ये वोट दे देते हैं एमपी और एमएलए वो उसको वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट मैंने पहले बताया हेड ऑफ द स्टेट ही एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर लाइक द ब्रिटेन क्वीन एंड प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ओल ऑल द पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं उनको उनकी जो फंक्शनिंग है उनको देखने का काम ये करते हैं

are made in the name of the president and president is the supreme commander of the defense force of the India. Next topic meaning of the judiciary meaning of the judiciary third institution of the parliament uh, India all the court and the different level in the country are collectively known the जुडिशरी जो डिफरेंट लेवल होते हैं मीन ये जो जुडिशरी हमारी पिरामिड शेप में होती है फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट सेकेंड हाई कोर्ट एंड थर्ड लोकल कोर्ट डिस्ट्रिक कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वर्क फॉर द एंटायर कंट्री हाई कोर्ट वर्क फॉर द स्टेट एंड लोकल कोर्ट वर्क द डिफरेंट लेवल विलेज लोकल लेवल पर भी हमने uh, जो कोर्ट है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं लोकल लेवल को विलेज लेवल टाउन एंड सिटी ना? इट इज अम्पोर्ट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल इंस्टीट्यूशन एंड इट इज कंसीडर एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेसी ये पावरफुल है अगर ये पावरफुल नहीं होगी तो डेमोक्रेसी में सही तरीके से तो काम कर भी नहीं सकती है ना पावर ऑफ द जुडिशरी जुडिशरी के पास क्या क्या पावर है सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन द टू एंड द मोर स्टेट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द यूनियन एंड द स्टेट लेबल एंड फ्री फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी ये लेजिस्लेचर और जुडिशरी सॉरी लैजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव ये पूरी तरह से फ्री है कि ये किसी के भी अंडर पर वर्क नहीं करेगी इंटरप्रिटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री ये कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रिटेट यानी कि एक्सप्लेन करने का भी काम करती है जुडिशियल रिव्यू ये जुडिशियल रिव्यू करती है अगर हाई कोर्ट का किसी को दे कैन डिक्लेयर वैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव है ना तो जो जुडिशियल रिव्यू है अगर कोई किसी को चैलेंज देना है हाई कोर्ट के ऑर्डर को तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है मतलब उसे दोबारा चेक कर सकती है गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट सुप्रीम जो आपका जुडिशरी है ये आपका फंडामेंटल राइट right का गर्जन है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट है पी आई एल ये पी आई एल जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो आप कोर्ट में किसी भी आ, लेबल अपना जो आपका अगर फंडामेंटल राइट right का आपका लो आपसे ले ले लिया जाते हैं फंडामेंटल राइट right आपके लोस किए जाते हैं तो आप किसी भी तरह से गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर द कोर्ट इंटरव्यू इंटरवेंट द प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू मेक द डिसीजन दे चेक मेल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल what why the judiciary enjoy a high level of confidence among the people